अमित कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मेडल कंफर्म हो गया है। क्या बोलोगे आज के बाउट के बारे में? जी बिल्कुल, जो स्ट्रेटजी करके आए थे वही खेले हैं, और जो कोच ने बताया, साथ में जो कोच है, मेरे बेसिक कोच ने जो बताया, बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी से खेले और आसानी से जीत पाए। क्या स्ट्रेटजी था वो, कैसे? यही था कि हम काउंटर ज़्यादा खेलेंगे, क्योंकि अपोनेंट जो है वो ऐसे ही आ रहा है, मतलब कोई स्ट्रेटजी के साथ नहीं आ रहा है, ऐसे पंच खोल रहा है, उससे हम बचेंगे और काउंटर। आप इस अपोनेंट से पहले खेल चुके थे? नहीं, मैं पहली बार खेल। अमित सॉरी, पूरा देश गोल्ड मेडल होप कर रहा है आपसे, क्या आप कॉन्फिडेंट है गोल्ड मेडल के लिए? जी मैं पूरी जान लगा दूंगा, और जितना हमारा कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा है अभी, और मेरे हिसाब से मैं गोल्ड ही लेके जाऊँगा। अमित, आपने पहले कहा था कि एंड्योरेंस एक चीज़ है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं, तो कुछ बता सकते हैं क्या स्पेसिफिक किया है पिछले एक दो महीने में जहाँ पे एंड्योरेंस आपका इम्प्रूव? जी हमने फुटवर्क पर, रिंग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि हमारा एंड्योरेंस या स्टेमिना बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद मिली। आज स्कॉटलैंड का भी काफ़ी सपोर्ट था, लेकिन आपके इंडियन डगआउट में भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, तो सपोर्ट के बारे में कुछ बताइए। जी हमेशा ही कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसके अगर स्पोर्टिंग में खड़े रहेंगे तो उसकी बॉडी अच्छा काम करेगी, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई रहेगा, और उससे वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाएगा। और आपने टोक्यो में कहा था एक बुरा दिन था, और ये अगर ऐसा दिन कम करना हो, आपको लग रहा है कि आप मोर कंसिस्टेंट हो रहे हैं अभी वो जो? जी मैं अपना जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो मैं वापस लेके आ रहा हूँ, और जितने भी यहाँ अपोनेंट उनकी मैं आउट देख के मैं यही कंफर्म बताऊँगा, मैं ऐसे बोल लीजिएगा। थैंक यू।